चलो 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 चल चल भाग भाई साहब चलो 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 हरून साहब के लेखा अनुसार जिंदाबाद जिंदाबाद श्री पी 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 जिंदाबाद पी पी जिंदाबाद मेरी गुजारिश है आपसे और आपसे ये गुजारिश है दुश्मनों की बातें मत सुनो गैस वैस वगैरह इसका हवा निकलता है खुली वही निकला तो उसका हवा निकल जाता है तो काम गैस है ये डीसी बनाता है ये इंजीनियर बनाते हैं ये हाजी को बनाते हैं इसको वेलकम करना चाहिए एक केंद्र है जम्मू कश्मीर में ये जगने वाला है और जिम्मेदारियां आप पे हैं 18 तारीख परसों वोटिंग का दिन होगा उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह निकल के सिर्फ और सिर्फ कलम दबाव का बटन दबा के अपने आप को कामयाब करना है ये कामयाबी आपकी कामयाबी है बाकी रहा सवाल मेरे बारे में आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो जो जानते हो उन वो वाले दूसरों को भी बता दें क्योंकि मेरा जिंदगी का एक लंबा पीरियड जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ खिदमत खलक के साथ मेरा वक्त गुजरा है मुझे अल्लाह ताला के फजल से कोई भूख नहीं है मैं इस काम में अगर आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ खिदमत खलक के नाते आया हूँ इलाके की आवाम ये मेरे बुजुर्गों का इलाका है ये धरती हमारी जहाँ की आवाम अगर दुख तकलीफ के अंदर है तो लिहाजा हमें क्यों पीछे रहना बिल्कुल इंशाल्लाह रहमान आप हम अपना रोल करेंगे तो रहा सवाल जहाँ तक कि हाँ इलाके के अंदर बहुत गुर्बत है इलाके के अंदर बहुत पसमानगी है मैं पिछले आज 5वां साल मेरे चल रहा है आप लोगों ने उस कच्चे धागे में जब मेरे को बांधा 4 साल पहले तो उस दिन से मैं आपके दरमियान जहाँ बैठा हूँ चाहे सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो मैंने सब चोट चला के आप तो लोगों के दरमियान में बैठ चुका हूँ क्यों बैठा हूँ वो आप लोगों का प्यार वो आप लोगों के दुख तकलीफ को देखते हुए तो मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का तो मैं उस दिन से यहाँ बैठा हूँ मुझे किसी बात की कोई गरज नहीं है मैं कोई यहाँ करप्शन के नाते नहीं आया मैं किसी और बात के नाते नहीं आया मुझे मेरे अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो लिहाजा भाइयों मुझा मेरी आपसे अपील है कि इंशाअल्लाह रहमान वक्त आपका आ गया है फैसला आवाम ने कर लिया है वन साइड इस वक्त कुकरैद ब्रिंग की आवाम जो है लालू कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम वन साइड फैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह रहमान भारी अक्सरियत से आप लोगों की जीत होनी चाहिए जय राजा होना चाहिए आप लोगों का तो मैं भी इंशाअल्लाह रहमान जो गुर्बत पसमानगी यहाँ पर है जिस तरीके से इस रोड का मामला है इस रोड पे हम अभी आ रहे थे रोड चलने के लायक नहीं है इतने बड़े बड़े खड्डे हैं इसमें और सिग्नल रोड है मैं चाहूंगा सरकार से अगर जिस वक्त आप लोग जिताओगे तो इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनती है तो मैं चाहूंगा सरकार से सबसे पहले ये रोड बननी चाहिए इस इलाके की ये टोल रोड बननी चाहिए सबसे पहले और बिल भी मुनासिब इनसे लिया जाए बिल के पैसे भी मुनासिब लिए जाए क्योंकि इनके पास कोई रोजगार है नहीं नकद पैसा ये कहाँ से ला सकते हैं ये तो दाढ़ी लगा के अपने अलाल को पालते हैं तो साथियों बुजुर्गों भाइयों जिस तरीके से आपका प्यार मुझे दिख रहा है मेरा हौसला और बुलंद हो रहा है इंशाल्लाह रहमान इंशाल्लाह रहमान देखो सैकड़ों नहीं हजारों जवान मेरे साथ आप लोग जुड़ते हो तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हाँ ये वाकई ये मेरे परवरदिगार का फैसला है तो लिहाजा अगर उसका फैसला है तो डट जाओ इंशाअल्लाह रहमान परसों 18 तारीख को सुबह 6 बजे निकलना और कोई पीछे नहीं रहना पहली लाइन में खड़े होके कलम तो आपका बटन दबा के तो पीडीपी जमात को मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को और अपने कैंडिडेट को काफी